नमस्कार, मैं हूँ शामली सिंह सेंगर फ्रॉम अच्छा वाला कॉलेज। आप सबका स्वागत करती हूँ आज के वीडियो पे। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करना हो तो कुल कितने पैसे खर्च करने होंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ आज। लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 2023 सत्र के लिए फीस कब आएगी, तो आपको मैं बता देती हूँ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। डीजीएमई की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया है और बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये कि जो भी उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 2021-22 सत्र में थी, वही फीस 22-23 सत्र में रही थी और अब वही फीस 23-24 सत्र में भी रहने वाली है। इसके साथ साथ जो प्रमुख सचिव हैं डीजीएमई के आलोक कुमार जी, उनकी एक चिट्ठी भी है जिसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि जो पिछले साल की पुरानी फीस थी वही फीस 2023-24 सत्र के लिए भी लागू होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एक कॉलेज तो नया है, एसकेएस मेडिकल कॉलेज जो कि मथुरा में है, तो उसकी फीस कितनी होगी। तो ये जो चिट्ठी है इसके पॉइंट नंबर 4 में अगर हम देखें तो इस बात का उल्लेख किया गया है कि मथुरा का ये जो कॉलेज है इसकी जो फीस होगी वो औसत होगी। कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा और यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज प्रयागराज की बात की जाए तो यूनाइटेड की फीस पिछले साल 11,90,401 रुपए थी और कृष्ण मोहन की फीस 11,73,856 रुपए थी। तो ऐसे में एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा की जो फीस है वह आप मान सकते हैं कि लगभग 11,80,50,000 के आसपास 2023 में देखने को मिल सकती है। तो ये थी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। आपको एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर हॉस्टल और अदर चार्जेस 4.5 साल के बजाय 5.5 साल तक लिए जाते हैं, तो ऐसे में अगर हॉस्टल के आप 1.5 लाख रुपए और अदर चार्जेस के 85,600 रुपए हैं तो इतना टोटल अमाउंट आप एडिशनल भी इस बजट में मान सकते हैं। तो कॉलेज टू कॉलेज ही आपका वेरी कर सकता है। तो ये था आज के वीडियो के लिए, आशा करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आती रहूंगी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप सब तक लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।